नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज है 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उन्हें सशस्त्र नमन। उन्हीं की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शिक्षक अभ्यर्थियों की वार्ता विफल, कहा मांग पूरी होने से पहले यहाँ से ट्रस्ट से मस्त नहीं होंगे। छोटी बच्ची को लेकर के धरना में शामिल हुए अभ्यर्थी, कड़ाके की ठंड में भी खुले आसमान के नीचे बिना पंडाल के ही बैठने का ऐलान। और जनपद वाइज विद्यालय आवंटन काउंसलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों हेतु निर्देश जारी कर दिया गया है। ये निर्देश है सिद्धार्थ नगर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया। 69,000 सहायक अध्यापक प्रक्रियागत समस्त 9 चयनित शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 21/1/2021 के अनुक्रम में विद्यालय आवंटन हेतु काउंसलिंग का आयोजन दिनांक 25/1/2021 व 27/1/2021 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर में होना सुनिश्चित है। काउंसलिंग में अभ्यर्थीगण स्वयं निम्न अभिलेखों के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में प्रतिस्थानी को काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा, जो बिना काउंसलिंग में उपस्थित हुए उन्हें विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपको याद होगा कि संशोधन और कुछ लोगों को जो जेंडर वाले थे उनको फिर काउंसलिंग कराने का मौका दिया गया, जो छोटे लोग हैं। तो इसमें देखिए, नियुक्ति पत्र की छाया प्रति ले जानी है, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का आवेदन पत्र की छाया प्रति, ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित वैधानिक पहचान पत्र ले जाना है। और फिर कहा गया, समस्त अभ्यर्थियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित COVID-19 बचाव रोकथाम हेतु निर्गत गाइडलाइन का अनुपालन किया जाए। दिनांक 25/1/21 को समस्त दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थी, 27/1/2021 को समस्त पुरुष अभ्यर्थी। तो यहाँ पे देखिए, अस्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिना काउंसलिंग में उपस्थित हुए उन्हें विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है जिन्हें काउंसलिंग कराने का चांस फिर से दिया गया है, अगर वो काउंसलिंग कराने बिना आवंटन लेने जाएंगे तो उन्हें नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर यही निर्देश है। और सिद्धार्थ नगर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यहाँ पर देखिए, काउंसलिंग का आयोजन दिनांक 25/1/2021 27/1/2021 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रेक्षागृह सिद्धार्थ नगर पर प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक होना है। यहाँ पर देखिए, जो जो लेके जाना है पूरा चीज़ें, प्राथमिक स्तर कंपोजिटिव विद्यालय, ये पूरा चीज़ जारी किया गया है उनके द्वारा। सीरियल नंबर, ब्लॉक नेम, स्कूल बॉय गर्ल्स टोटल, फिर ST/AT/SM टोटल, यहाँ पर रिमार्क। आपको बता दें, यूपी की तरह बिहार में भी प्राइमरी वैकेंसी के लिए अभ्यर्थियों का वहाँ पर लगातार आंदोलन जारी है। उन्होंने कहा 100% जीत सुनिश्चित होने है, अर्थात 27 जनवरी तक 10 से 5 बजे तक जरूर पहुँचे। और नव नियुक्त शिक्षकों को भी स्कूल चुनने का मिलेगा मौका। आवंटन में 25 से 27 जनवरी को फरीदपुर डायट में होगा स्कूल का आवंटन। 5 अतिरिक्त रिक्तियां ही जोड़ी जाएंगी। यहाँ पर पिछली बार केवल महिलाओं और दिव्यांगों को ही दिया गया था ऑनलाइन स्कूल चुनने का मौका, अब की बार पुरुषों को भी दिया गया है। तो 50 दिन बाद तय होंगे नए शिक्षकों के स्कूल। निष्ठा प्रशिक्षण ना लेने वाले शिक्षकों को रोका जाएगा वेतन। और यहाँ पे देखिए, गोरखपुर के द्वारा भी जारी किया गया है NPS के तहत राज्यांश के धनराशि आवंटित करने के संबंध में। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 36,590 विद्यालय आवंटन शेड्यूल 25/26/27 की विज्ञप्ति संबंधी BSE द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित की जाएगी। सबसे पहले दिव्यांग के महिला की काउंसलिंग कराई जाएगी, उसके पश्चात पुरुष की कराई जाएगी। यहाँ पर देखिए, बताया गया जिसमें प्राथमिक विद्यालय का नाम और प्राथमिक विद्यालय में कितनी सीटें रिक्त हैं का ब्यौरा दिया जाएगा। विद्यालय आवंटन सूची में प्राथमिकता उन विद्यालयों को दी जाएगी जो एकल विद्यालय हैं। उसी लिस्ट में से आपको 5 विद्यालय का विकल्प लिया जाएगा। प्रदेश में एकल विद्यालयों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि पूर्व में हुई भर्तियाँ 15,000, 16,448, 12,460, 68,500, 31,661 में शासन की तरफ से एकल विद्यालय देने पर जोर रहा है। तो मिर्जापुर में 542 सहायक अध्यापक को स्कूल होंगे आवंटित। वहीं अब शिक्षक बन सकेंगे अफसर, ये है रांची की कहानी। प्रारंभिक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार है। अंदर शिक्षा सेवा में 10 और शिक्षा सेवा में 5% पद आरक्षित। 18 वर्ष की सेवा के बाद शिक्षक को मिलेगा सेवा में प्रोन्नति। और 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए योगी सरकार से रिक्वेस्ट जारी है। लगातार ज्ञापन कार्यक्रम भी चल रहा है इनका। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों से रिक्त हुए पदों को 2 भर्ती कराकर भरने का आदेश दिया था। पहली भर्ती के रिक्त 22,000 पदों को इस भर्ती में जोड़कर 60% कट ऑफ क्वालिफाई योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, ये कहा गया है। ट्वीट में कहा गया है कि 68,500 में योग्यता की कमी बताने वाले SSC में मुख्यमंत्री जी 69,000 शिक्षक भर्ती में 90-97 पास अभ्यर्थियों की संख्या 68,500 के 25 रिक्त पदों पर मौका दें या मंच पर आकर बयान वापस ले। प्रदेश में योग्य बहुत है पर नौकरियां नहीं है। अभ्यर्थियों ने अपने ट्वीट में इन 5 करोड़ों को भी गिनाया है किस कारण से 22,000 सीटों को ऐड किया जाए। और
अयोध्या की न्यूज यहाँ पर देखिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कैसे होगी काउंटर 25 को 11 बजे से 2 बजे, फिर 2 बजे से लेकर के प्रातः से लेकर 2 बजे तक। और कानपुर देहात का भी जारी हो गया है यहाँ पर कि शासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रातः 10 से 3 बजे तक विद्यालय संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। और अनामिका ब्रह्मा एंड अन्य की सुनवाई 27 जनवरी को कोर्ट नंबर 8 डेली काज लिस्ट में 6 नंबर पर लग गया है। वहीं विद्यालय आवंटन हेतु खाली सीटों का ब्यौरा भी लगना शुरू हो गया है सहारनगंज का। बात कर लेते हैं प्रेस विज्ञप्ति। सरकारी नौकरी में संविदा का प्रस्ताव मंजूर नहीं, युवा मंच 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर रोजगार का अधिकार हासिल करने और संप्रदाय लोकतंत्र व संविधान की रक्षा का युवा लेंगे संकल्प, तो इस दिन इन लोगों का धरना प्रदर्शन रहेगा प्रयागराज में। बालसन चौराहा राष्ट्रध्वज फहराने के साथ आंदोलन का आगाज किया जाएगा। तो नव नियुक्त शिक्षकों को मिले प्रमाण पत्र, डाइट में 18 से 22 जनवरी तक चला था ओरिएंटेशन कार्यक्रम।